दादरी क्षेत्र के दो दर्जन गांव की करीब 3,000 एकड़ जमीन पर जलभराव होने से जहां किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, वहीं किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि फसल बर्बादी के चलते किसानों को खाने के लाले पड़े हैं। लगातार कई सालों से खेत बिजाई से वंचित होने की वजह से क्षेत्र के किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण जमीन बंजर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखा जाए तो इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू होने के कारण हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गांव बिगोवा, इमलोटा, मखौला सहित कई ऐसे गांव हैं जो पानी में डूब चुके हैं। साथ ही करीब 3,000 एकड़ जमीन पर जलभराव होने की वजह से बिजाई तक नहीं हो पाई है। ऐसे में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि दावों के बावजूद पानी की निकासी नहीं हुई है, ऐसे में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। तुरंत क्षेत्र में स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजा देना चाहिए। देखिए, अब हम बागवी के खेतों में खड़े हैं। हमारे इलाके के 20 से 25 गांव का हालात ऐसे हो गए कि हजारों एकड़ जमीन बहुत लंबे समय से बंजर बनने जा रही है। पानी खड़ा है, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन बिल्कुल मौन है। आने वाले समय में भी लग नहीं रहा कि इसका कोई समाधान होता दिखाई दे रहा। जो आगामी फसल है वो भी होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ से चेयरमैन भी हैं, यहाँ से विधायक भी है, और भी लोग हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि इन किसानों का क्या हाल होगा, कितने गांव के लोग, कितने लोग मर जाएंगे। एक एक दो दो चार चार एकड़ जमीन के मालिक हैं। जो जितना बड़ा किसान है उतना ही ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि ये लोग मर जाएंगे, हज़ारों लोग, हज़ारों एकड़ जमीन खत्म होगी। यहाँ विदेशी पक्षियों ने अपना डेरा डाल दिया है, बिंडावास झील बन गई यहाँ पे। तो चोटी राजनीति को छोड़ के पक्ष विपक्ष के सभी लोग मिलकर इन किसानों को बचा लो भाई, नहीं तो ये मर जाएंगे। यहाँ पे तराई तराई मची हुई है, आम पब्लिक को पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। तो पुनः मेरा निवेदन है कि इन इस इलाके को बचाया जाए, एक बहुत लंबी ड्रेन जाए यहाँ से, ताकि यहाँ के किसान भी बच जाएं और ये शहर भी बच जाए दादरी। धन्यवाद, जय हिंद। तो अब के बार ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा जमीन आज भी पानी से डूबी हुई है। सरकार ने उनको गिरदावरी करके किसानों को जो मुआवजा देना था वो भी काम पर ले। और दादरी शहर के लगभग 25-30 गांव बरसाना से लेके बरसाना, बिरी बिरी, खुरद, पानवान, मैनकावास, चरखे, इकाड़ा, सहवास, फतेहगढ़, मिर्च, जयश्री, मिश्री, भागेश्री, कोलास, लंबा और सनसपर, लोहरवाड़ा, झिंझर, बेगोवा, मोराला, इमलोटा तक ये जो पूरा क्षेत्र पानी से लबालब भरा हुआ है। खेतों में आज भी पानी भरा हुआ है और पानी की न सूखने के कारण फसल भी नहीं बोई। आज किसान के ऊपर बहुत बड़ा इस चीज़ का नुकसान झेल रहे हैं। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से जो गिरदावरी भी की उसमें भी कुछ नुकसान कम दिखा दिया, कहीं ज़्यादा दिखा दिया। मैं कहता हूँ कि ईमानदारी के साथ उसे सर्वे करके जो वाकई में हकदार है इसकी गिरदावरी करके किसानों को इसको तुरंत प्रभाव से मुआवजा मिलना चाहिए। इतना बुरा हाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा जो आज की तारीख में दादरी के अंदर है। दादरी की जनता की दुर्दशा को देख के बड़ी पीड़ा हो रही है। और सरकार ने जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ और सबका विकास की बात होती तो दादरी का भी उद्धार होना चाहिए था। जो आज तक जो पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ कोई विकास नाम की चीज़ दादरी में हुई नहीं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है तुरंत प्रभाव से अब की बार भी बारिश के मौसम के अंदर तमाम शहर के भाइयों ने, माता बहनों ने इतनी तकलीफ झेली। आज भी लोगों के मकानों में दरार आ रही है, मकान पड़ रहे हैं, बुरा हाल है। इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देके इस समस्या का समाधान